Hi everyone, I hope you all will be fine. So actually हमारी जो डिस्कशन चल रही थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में, इस सब्जेक्ट को हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग भी कह रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स भी कह रहे होते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. जो सबसे पहला अभी एक लेक्चर अपलोड किया है यहाँ पे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगा इन केस अगर आपने उसको ट्रैवर्स नहीं किया. तो वो एक एक बर्ड आई व्यू था आप सब लोगों के लिए, जस्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन दैट हाउ आर सिस्टम इज एक्चुअली वर्किंग. प्योरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट लेक्चर, और वी कैन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर. दैट वुड बी द बेसिक अबाउट द कंप्यूटर्स. आई रिसीव सम क्यूरीज फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स. दे वर सेइंग दैट सर, ड्यू टू सम रीजन वी डोंट हैव कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो उस वजह से शायद वी आर नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट विच यू आर सेइंग एक्चुअली, बिकॉज ऑन द फर्स्ट लेक्चर और ऑन द फर्स्ट डे हम लोगों ने थोड़ा सा एक हाई लेवल की बातें कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने रैम को भी डिस्कस कर लिया, कोर्स भी डिस्कस की ऑफ आवर प्रोसेसर्स, सो एंड सो फॉर्थ. सो डोंट यू वरी, दैट वॉज अ जस्ट बर्ड आई व्यू लेक्चर. आज हम प्योरली अपना स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम कंप्यूटर का बेसिक देखेंगे. वी हैव अ चैप्टर वन. आप हमारे जो आज के एजेंडा में जो ऑब्जेक्टिव शामिल होंगे, वी विल टॉक अबाउट द व्हाई कंप्यूटर लिटरेसी इज वेट टू सक्सेस इन आर टूडे वर्ल्ड, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, डिफाइन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये क्वेश्चन पेपर के परस्पेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब द फाइव कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस विद द कंप्यूटर्स, डिफाइन द टर्म नेटवर्क क्या होता है and how we share our information on over the network and discuss the use of the internet over in the world wide web. www जो हम लिख रहे होते हैं एक्चुअली ये क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, इसके ये हमारे एजेंडे का पार्ट होगा. प्लस डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन डिफरेंशिएट अमंग द टाइप्स, साइज एंड द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इन ईच कैटेगरी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच एलिमेंट्स इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे. हमारे पास कौन कौन से सिस्टम के यूजर्स होते हैं, कितनी टाइप के यूजर्स होते हैं, और हाउ द आवर सोसाइटी यूज आवर कंप्यूटर इन एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ, सो एंड सो फॉर्थ इन द डिफरेंट कैटेगरीज और इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई कन्वर्सेशन. आई वुड लाइक टू से दैट कंप्यूटर इज एवरीवेयर. द रीजन इज इन अक्रॉस द वर्ल्ड, इन अक्रॉस द ग्लोब यू कांट फाइंड इवन अ सिंगल इंडस्ट्री. कोई एक ऐसा सिंगल डिपार्टमेंट आपके पास नहीं होगा जिसमें आप कहें कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, यह सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, या कंप्यूटर के बगैर मेरी फला इंडस्ट्री या फला चीज चल रही है. फाइन, वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को गूगल क्लासरूम में मैं बुक शेयर कर दूंगा और जो स्लाइड्स हम पढ़ रहे होंगे, इन केस फॉर योर हेल्प, इन केस अगर मैं कोई चीज़ स्पीडी गुजर जाती है और मैं डिटेल डिस्कशन नहीं उस पर कर पाता, तो फॉर योर हेल्प एंड फॉर योर असिस्टेंस यहाँ पे पेज नंबर मैंशनड होता है आपकी बुक का. So you can confirm your information or you can brush up your concept from page number. कि हम कौन से पेज नंबर से पढ़ रहे थे. एनीवे, द स्टोरी इज वेरी सिंपल कि हमारी पूरी ग्लोब में हर कहीं, हर डिपार्टमेंट में, हर सोसाइटी में कंप्यूटर हर कहीं अवेलेबल है. सो वॉट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सबसे पहली बात, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी. हम वन बी वन इसको देखते हैं. एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ऑपरेट करती है, ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से मुराद ये कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दी है. ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने कंट्रोल्ड रखी है. इनफिनाइट इंस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ना खत्म होने वाली इंस्ट्रक्शन नहीं है. कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, हम लोगों ने अपने इस डिवाइस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये डिवाइस क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी. सो इट मीन्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमरी. इसके अपने अंदर एक मेमरी है जिसको वो जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है और वो एग्जीक्यूट करने वाली मशीन कंप्यूटर कहलाता है. एक बात, इसकी अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन एक ये भी होती है दैट कंप्यूटर इज इन अ डिवाइस विच रिसीव सम इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस यूर इंस्ट्रक्शन एंड देन जनरेट एन आउटपुट. फाइन, उसको भी हम कंप्यूटर कहते हैं. सो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं के कलेक्ट डाटा, एक इनपुट ये लेता है हमारा सिस्टम, उसको प्रोसेस करता है. उनको प्रोसेस कैसे करता है? उनको ये प्रोसेस इस बेसिस पे करता है, सॉरी, उनको ये प्रोसेस करता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर. फॉर एग्जांपल, मैंने इसको कोई डाटा दिया
तो उस डेटा का क्या मतलब है, इस डेटा के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक का क्या मतलब होगा, रिफ्रेश का क्या मतलब होगा, डबल क्लिक का क्या मतलब होगा, मीडिया प्लेयर का क्या मतलब होगा, व्हाट एवर द थिंग इज, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड ऑलरेडी थ्रू इन द इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको मदद मिलती है, वो उसको प्रोसेस करता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन और इनपुट्स, ये आपके लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. नो, हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मे बी वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आए, मैं चले यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, बल्कि इस स्लाइड पे आ रही है. यस, जो भी रॉ फॉर्मेट में आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डाटा कहलाती है, उसको ये प्रोसेस करता है कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो उसको प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस के बाद जो चीज हमारे पास जनरेट हो रही है दैट कॉल्ड इंफॉर्मेशन. सो नाउ वी कैन से रॉ डाटा, रॉ फॉर्म और द रॉ इनपुट्स कॉल्ड डाटा, एंड द प्रोसेस्ड थिंग और द मीनिंगफुल थिंग्स और मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन. डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, डेटा हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, उसका कोई मीनिंग्स नहीं होती, बट इंफॉर्मेशन मीन दिस इज अ सम प्रोसेस्ड थिंग जिसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस हुआ और एक 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 फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा होता है दैट कॉल्ड इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, स्टिल इफ यू हैव इफ यू हैव सम कंफ्यूजन और इफ यू हैव सम क्वेश्चंस दैट व्हाट इट मींस विद डाटा और द प्रोसेस और द इंफॉर्मेशन, देन एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द पेज नंबर 6 जो कि आपको मैं गूगल क्लासरूम में आपकी जो बुक शेयर करूंगा. द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. अ कंप्यूटर कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड द मैकेनिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिक चीज़ें भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, नोन एज हार्डवेयर. नाउ वी आर सेइंग कंपोनेंट, टू कीप इन माइंड सॉफ्टवेयर इसके कंपोनेंट में नहीं आता. कंपोनेंट्स टेंजिबल प्रोडक्ट्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो उसके कंपोनेंट में आते हैं. तो वो कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए, इनपुट डिवाइसेज, ऐसी डिवाइसेज जो कि अलाउ यू टू एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू योर कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज हो सकती हैं जिनके थ्रू आप अपने इनपुट्स दे सकते हैं, वो आपका कैमरा हो सकता है, वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, वो आपका माउस हो सकता है बिकॉज माउस के थ्रू आप अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, वो आपका माइक हो सकता है जिसके ऊपर आप अपनी वॉइस को प्रोसेस करने के लिए उसको दे रहे होते हैं. आउटपुट डिवाइसेज, हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल. आउटपुट डिवाइसेज से मुराद ये कि इनपुट डिवाइसेज के थ्रू जो आपने डाटा लिया, आउटपुट डिवाइसेज के थ्रू वो डाटा आपको रिसीव हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मॉनिटर है या डिस्प्ले स्क्रीन है. सो हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल, एक एक से ज्यादा लोगों को जो आपकी इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, दैट कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज. सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट से मुराद ये कि जो हमारा केस है, अभी तो खैर लैपटॉप सिस्टम अब सब लोगों के पास आ गए, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक स्क्रीन होती थी, उस स्क्रीन के साथ एक आयरन बॉक्स होता था, लोहे का एक डिब्बा होता था जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट लगे होते थे, जिसको हम कहते थे केस. दैट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस द डाटा. मतलब तमाम तर कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं रैम बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, हम बोल रहे हैं जनाब मदरबोर्ड बोल रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इन चीज़ों को सिस्टम यूनिट के अंदर स्टोर करते थे. लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गए, अब हमारे लैपटॉप के अंदर जहाँ पे हमारा कीबोर्ड लगा हुआ है, उस कीबोर्ड के नीचे आपको एक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको उसके अंदर वो चीज़ें स्टोर होती हैं. फाइन, अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस. रिकॉर्ड्स, राइट्स एंड और रिट्राइव रीड्स items to and from a storage media. Storage devices मुराद ये है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें आप डाटा राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, दैट कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं आपको बात करूँ सीडी, आप मूवी की एक सीडी लेकर आए हैं, मैं इसमें इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर. हम यूएसबी लगाते हैं, यूएसबी में मैं डाटा राइट भी कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ. इन सिंपल वर्ड्स इस बात का मतलब ये है कि हम यूएसबी में अपना डाटा स्टोर भी करवा सकते हैं, उसमें डाटा रिट्राइव भी कर सकते हैं, मतलब स्टोर किया हुआ डाटा एक्सेस कर सकते हैं. हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. अच्छा, सीडी, सीडी की मैं मिसाल क्यों दे रहा हूँ, राइट और रीड के मामले में, आप एक मूवी की सीडी लेकर आते हैं मार्केट में से, तो उस सीडी के अंदर जो मूवी पड़ी हुई है या जो सॉन्ग्स पड़े हैं, जो फाइल्स पड़ी हैं, आप उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, आप उस सीडी में कोई चीज़ स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है. और कुछ ऐसी सीडीज भी होती हैं जो री राइटेबल होती हैं, मतलब उसमें आप डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और वहां से ट्राइव भी कर सकते हैं.
communication devices murad ye enables a computer to send and receive a data instruction and information and to and from one or more computers or mobile devices. Communication devices se murad ye ke koi bhi aisi devices jo ek insaan ke darmiyan ya multiple machines ke darmiyan jo communication karwa rahi hai wo uske liye jo hamare paas cheeze hoti hain that called devices or communication devices. Please एक सेकंड भाईजान जरो ऐसा बोल रहे यार सॉरी फॉर इंटरप्शन जी. सो in this slide we were talking about the input devices, output devices, system units, storage devices and the communication devices. So ये हमारे पास चीज़ें हो गई. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन कंसर्न योर बुक फ्रॉम पेज 6 to 8. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हम उसके बारे में एक थीम थोड़ा सा ये रखेंगे. हर यूट्यूब चैनल के ऊपर ये इस लेक्चर्स के साथ आप लोगों को कुछ एक लेक्चर्स या वीडियोस मिलेंगी जिसको हम कहेंगे डिस्कशन. फॉर एग्जाम्पल जिसमें मैं लाइव कैमरा के ऊपर आके आपके जितने क्वेश्चन होंगे जो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं खुद आइडेंटिफाई करूँगा कि जिनको डिस्कस करना है थ्रू द लाइव स्ट्रीमिंग थ्रू आवर कैमरा. तो उस वीडियो का हम नाम रखेंगे जी चैप्टर 1 डिस्कशन. अगर चैप्टर 2 की वो चीज़ें तो वी विल कॉल इट चैप्टर 2 डिस्कशन. ठीक है, तो वो हम उन चीज़ों के बारे में कर लेंगे. और इन केस अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे तो उन क्वेश्चन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर और कुछ क्वेश्चन मैं खुद आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे. सो वीडियो के अंदर डिस्कशन के नाम का जो फाइल होगी या वीडियो होगी इट मीन्स उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन रेज हुए उनका आंसर किया जाएगा उस वीडियो के अंदर. कंपोनेंट हमारे सामने नजर आ रहे हैं, प्रिंटर है, इसको हम केस बोलते हैं, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारे स्पीकर्स हैं, ये हमारा माउस है, ये कीबोर्ड है, ये हमारा माइक है, इट्स USB, इट्स स्कैनर, ये हार्ड ड्राइव है या कार्ड रीडर है सॉरी, ये हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है. मैंने एक दफ़ा बताई भी थी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है. ये हमारे पास ये मॉडम है. मॉडम क्या काम करता है? मॉडम आपके इंटरनेट को चलाता है. आपके लैपटॉप के अंदर तो ये बिल्ट इन डिवाइस लगी आती है, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती थी. तो उसको उसके अंदर इंटरनेट को चलाने के लिए एक फैसिलिटी देने के लिए एक मॉडम लगता था, एक हार्डवेयर लगता था जो आपके सिस्टम को या हार्ड डिस्क डेस्कटॉप को कैपेबल बनाता था टू एग्जीक्यूट और टू रन द इंटरनेट. ये हमारे पास एक एक्सटर्नल वेब कैमरा है जिसको हम अपनी मॉनिटर के ऊपर लगाते थे. इन तमाम तो डिवाइसेस के बारे में जो डिटेल है दैट वुड बी ऑन पेज नंबर 7. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज. यस, वी हैव अ मेन एडवांटेज रिगार्डिंग स्पीड. ऐसा काम जो हम लोगों को बहुत टाइम लगता था, इवन ईयर्स लगते थे प्रोसेसिंग करने में, मंथ्स लगते थे या इवन वीक्स लगते थे या डेज लगते थे, बट नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम सो वी कैन कंप्लीट आर द सेट टास्क कंसिस्टेड ऑन द वीक्स, बट नाउ वी कैन कंप्लीट आर दोज टास्क विद इन अ फ्यू आवर्स. रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि एक फोल्डर के अंदर अगर एक मैंने इंफॉर्मेशन रखी है और वी हैव मल्टीपल फोल्डर्स एंड वी हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन आर कंप्यूटर तो वो रिलायबिलिटी उस पर रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि एक इंफॉर्मेशन मैंने रखी है तो वो सिस्टम के अच्छा जी आपने मुझे 100 फाइल्स दी थी उनमें से 90 फाइल्स मुझे याद हैं और मुझे एक फाइल भूल गई है. ऐसा नहीं होगा. रिलायबल होगा जिस फोल्डर में जो चीज़ जब इंफॉर्मेशन रखेंगे वो फॉर मल्टीपल ईयर उसमें स्टोर रहेगी. कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगेन आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है. कंसिस्टेंट मीन्स अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन रखी है और उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन भी उसमें रख रहे हैं, तीसरी इन्फॉर्मेशन भी रख रहे हैं, तो वो पहली वाली इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा. आपका सिस्टम ऐसा नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ या मैं बोर हो गया हूँ या मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, तो ऐसा नहीं होगा. कंसिस्टेंट रहेगी इन्फॉर्मेशन. स्टोरेज, येस वी हैव अ वेरी बिग एडवांटेज अबाउट स्टोरेज. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग टू स्टोर अ मल्टीपल फाइल्स. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग टू स्टोर इवन 1000 और इवन द मिलियंस ऑफ फाइल्स. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिस्टम सो माई सिस्टम इज कैपेबल टू स्टोर even millions or even trillions of files, or even my computer can process the trillion of instructions. Communication, yes, communication means that my system have an advantage that I can communicate to one or two persons, or even I can communicate
to the different cities. Even I can communicate to the different countries through my computers, through my machine, this machine. एक ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता था कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों से बात कर सकता, बट अभी जिस तरह भी मैं आपके साथ एक लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ या एक यूट्यूब लेक्चर या इस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. सो नाउ इफ़ यू आर नॉट इवन अवेलेबल, इफ इवन यू आर नॉट प्रेजेंट, बट आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर एंड आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम टॉकिंग टू यू, बट वेन यू विल एक्सेस माई दिस वीडियो then you will assume that like our teacher is directly communicating or directly talking to us. So system ek bada advantage ho gaya ki hum communication bahut easy ho gayi. Yes, we have if we are talking about any system or any machine sorry, so we have advantage as well as we have our disadvantages. Disadvantages means we have a health risk. Health risk means aapko pata hai eyesight ke bade problem aana shuru ho gaye. कंप्यूटर में से कुछ रेज एग्जिट होती हैं, उस रेज के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम होता है. वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी से मींस, अब आपको पता है हमारी सब इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर सामने पड़ी होती है. लोग हमारी फैमिली की पिक्चर्स एक्सेस कर रहे हैं. लोग इवन इवन अगर मुझे किसी बंदे के बारे में ये जानना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो एक्सक्यूज मी प्लीज़ एक सेकंड. Sorry for interruption, ji. So violation of privacy means, for example, कोई एक्स वाई जी पर्सन है, कोई एली है और मुझे उसके बारे में जानना है, तो अगर वो मेरा फेसबुक का फ्रेंड है तो मैं उसकी पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके इंटरेस्ट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग सब चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी मीन्स सेफ्टी नहीं रही, गॉड फॉरबिड. आजकल साइबर क्राइम डिफरेंट वे में होना स्टार्ट हो गए हैं. अब किसी को अपने हार्म करना है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, तो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया. ट्रेंड चेंज इन अ वे कि अब आप उसको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की बजाय सोशल मीडिया के थ्रू अब आप उसके दोस्तों तक इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, उसकी वीडियोस शेयर कर सकते हैं, करते हैं, या गॉड फॉरबिड इवन यू एक्सेस देयर फैमिली, यू एक्सेस देयर किड्स, और आप उसको प्रोनोग्राफी पर लगाते हैं, आप उनको हरासमेंट की तरफ लेके जाते हैं. तो पब्लिक सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है. इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, यस. अगर मेरे पास पहले कंप्यूटर नहीं थे तो सिस्टम सॉरी फाइल्स के थ्रू अगर मुझे डाटा मेंटेन करना पड़ता, कम्युनिकेशन और जितनी भी इंफॉर्मेशन या काम करना पड़ता, तो आई वाज सपोज टू हायर अ पर्सन, वन और टू और 20 और मे बी 100 ऑफ पीपल आर डूइंग अ सेम टास्क, बट नाउ आई हैव अ कंप्यूटर. सो इम्पैक्ट ऑन द लेबर फोर्स, लेबर बहुत कम हो गई है. एक एक पर्सन मैंने हायर कर लिया है और वो उस कंप्यूटर के थ्रू 100 लोगों का काम कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि आपको आइडिया है कि जब इसकी जो डिवाइसेज होती हैं, जब हमारे कंप्यूटर नकारा हो जाते हैं, तो हम उनको उनकी डिफरेंट डिवाइसेज जो है डिस्कार्ड करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, हार्ड ड्राइव हैं, कंप्यूटर्स हैं, हम उनको जलाते हैं, हम उनको उनका रॉ मटेरियल बनाते हैं, या कुछ भी चीज़ें. तो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट सच इस तरह है कि जब हम उन डिवाइसेज को सेट ऑन फायर करते हैं, जब उनको आग लगाते हैं, तो उनमें से डिफरेंट गैसेस निकलती हैं और वो पोल्यूशन या सॉर्ट ऑफ कैंसर्स का बायस बनती हैं, या डिफरेंट डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं. सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के अंदर आज के हमारे टॉपिक में दिस वुड बी आवर लास्ट स्लाइड्स. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के अंदर प्लीज वन सेकेंड. सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के अंदर हमारे पास सॉरी फॉर अगेन इंटरप्शन. ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि जी ग्रीन कंप्यूटिंग एक एक नया कॉन्सेप्ट है अक्रॉस द ग्लोब. यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर, ये आपने पेज 10 से पढ़ भी लेना है. ग्रीन कंप्यूटिंग से मुराद ये कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक सोसाइटी है, एक यूनियन बनी हुई है, जो कि डिस्कस ये करती है तमाम कंपनी से जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके साथ एक एक बैठ के मीटिंग की जाती है और उनको कहा जाता है कि अब आप हम लोगों ने कोशिश करनी है अपने आइटम या अपने हार्डवेयर कुछ इस तरीके से बनाएं कि उनमें से मिनिमम जो है वो रेज एग्जिट हों, ड्यूरिंग द यूजेज भी उनमें से कम रेज निकलें, कम इंटेंसिटी की रेज निकलें, या इवन जब वो नकारा हो जाए और जब हम उनको आग लगाते हैं, जलाते हैं, पानी में फेंकते हैं या कहीं पर भी फेंकते हैं, तो उनकी उनका जो है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम जो है इफेक्ट होना चाहिए, वो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो दैट कॉल्ड
green computing involves reducing the electricity consumed and environmental waste generated when they use a computer. Again, green computing से मुराद ये है कि हमने कैसे हार्डवेयर बनाने हैं जो कि जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम हो और इन्वायरमेंट को बहुत कम डिस्टर्ब करें. स्ट्रेटजीज में कौन कौन से इंक्लूड हैं? रिसाइकलिंग मीन्स वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आइटम्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हार्डवेयर जिसको हम रिसाइकिल कर सकें. रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि कानून साजी की जाए, हम लोग कोई लॉ एंड रेगुलेशन बना लें कि जब भी आप लोगों ने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है कंप्यूटर्स के बारे में तो किस कौन कौन से रूल्स को आपने फॉलो करना है ताकि उनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और हमारी ह्यूमन बींग ह्यूमन बॉडीज के ऊपर बहुत कम हेल्थ हैजर्ड्स हों. एक्सटेंड द लाइफ ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से हम कोई अपने कंप्यूटर्स को बनाना शुरू करें कि उनकी मैक्सिमम लाइफ हो. और इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिस्पोजिंग आर रिप्लेस्ड कंप्यूटर, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आपने अपने कंप्यूटर्स को डिस्पोज ऑफ करना है या रिप्लेस करना है तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर बहुत कम जो है इम्पैक्ट जाए. और बड़े कंट्रीज में तो अब उन्होंने इस तरीके से भी चीज़ें रिप्लेस करना शुरू कर दी कि इवन इफ़ यू वांट टू रिप्लेस योर कंप्यूटर, आपने पुराना कंप्यूटर बेच कर नया कंप्यूटर लेना है तो वो ये कहते हैं कि येस वी हैव सम रिप्लेस्ड पॉलिसीज, आप अपना पुराना कंप्यूटर हमें दे दें, हम आपको नया कंप्यूटर देंगे और पुराने कंप्यूटर को वो एक तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे. सो दिस वॉज पेज 10. अच्छे आपके साथ स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी और उन स्लाइड से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह जो है द रेस्ट ऑफ स्लाइड्स एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट वुड बी शेयर्ड एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक. अपना ख्याल रखिएगा.